सो गाइज, ये है मेरे हाथ में कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल, जो कि काफ़ी मस्त चारकोल पेंसिल होती है। इसको शार्प करते हैं। चारकोल पेंसिल को शार्प करने के लिए मैं कटर का ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो शॉर्पनर से टूट जाती हैं, इसलिए कटर से ही साफ़ करना चाहिए। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है जब भी हमारी कोई एक्सपेंसिव पेंसिल, जो कि हमको काफ़ी पसंद होती है, वो इस तरह से टूट जाए शार्प करते वक्त। तो चलो कोई नहीं, दोबारा शार्प कर लेते हैं, अब की बार और केयरफुली करते हैं। सो गाइस, देख लो क्या हाल हुआ है दूसरी बार में भी। और इसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाया बिल्कुल भी, स्टार्टिंग से इस तरह टूटी जा रही थी, तो मेरे को लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और भी इस तरह की मैं 5 पेंसिल्स हैं, 5 की 5 पेंसिल का यही हाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यही हाल हो रहा है इन 5 की 5 पेंसिल्स का, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाया हूँ। सो गाइज, ये हाल हुआ मेरी कॉन्टेक्ट की 5 कार्बन पेंसिल्स का, जो कि 3B ग्रेड्स की थी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाया। शार्प कर रहा हूँ टूट जा रही है, शार्प कर रहा हूँ टूट जा रही है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा, और आप भी इससे बच सकते हैं, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव पेंसिल है। 130 रुपीज़ की एक पेंसिल आती है ये, और मैंने इसके टोटल 600 रुपीज़ पे किए थे। मैंने 4 पेंसिल्स बाई की थी, उन्होंने कहा था एक हम आपको फ्री दे देंगे, और वीडियो में दिखा देना हम आपने हमारे वहाँ से बाई की है, बट मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। और मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा, BOT 5 डार्केस्ट पेंसिल करके, अच्छा मैंने नहीं दिखाया। अदरवाइज अगर आप भी वहाँ जाते, वहाँ से बाई करते, तो आपको भी ऐसी ही मिलती। उस टाइम मैंने वीडियो में आपको यूज़ करके दिखाई, यूज़ करके मैंने आपको पहले वाली दिखाई जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी शार्प वाली। अगर मैं ये करता तो ऑब्वियसली टूट ही जाती। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी बच सकते हैं चीज़ों से, बिकॉज काफ़ी मुश्किल से हम अर्निंग करते हैं, हम आर्टिस्ट कमीशन से और भी मतलब जगह जगह से मतलब काफ़ी मुश्किल से हम अर्निंग करते हैं। और इस तरह से अगर हम इतनी एक्सपेंसिव पेंसिल लें और ये हाल हो, तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है जब पेंसिल टूटते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है आर्टिस्ट के। सबसे ज़्यादा पेनफुल यही होता है जब पेंसिल को शार्प करें या फिर गिर जाए, टूट जाए, सिक्का टूट जाए, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मेरे को लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज मेरे तो 600 रुपीज़ गए। मैं तो बोल दूंगा वैसे जिन्होंने जिनसे मैंने मंगवाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए कंप्लीट, कि आप किस तरह से अपने मटेरियल्स बाय कर सकते हैं और जेन्युइन मटेरियल्स मिले आपको, क्या पता ये फेक भी हो सकती हैं, और फेक फेक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, फेक पेंसिल्स भी आते हैं, ग्रेफाइट भी, चारकोल्स भी, जो कि अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं, उनको कॉपी करके काफ़ी सस्ते सस्ते में मिल जाती है। सो उनसे किस तरह से बचना है और अच्छे अच्छे बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट कैसे लेने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि इन पेंसिल्स का ऐसा हाल क्यों हुआ, कि मतलब टूट क्यों रही है ये। इनके जो वुड है ना, वो काफ़ी टाइट टाइट सा हो गया और काफ़ी मतलब ख़राब सा हो गया है, और इसके अंदर जो कार्बन है वो भी ख़राब हो चुका है, बिकॉज़ ये पेंसिल्स बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैंने हॉबी क्राफ्ट वाले सर से बात की, उन्होंने बताया, बिकॉज अब तो उनके पास भी आ गई है पेंसिल्स, उस टाइम नहीं थी, इसलिए मैंने मंगवाई थी, पुणे से मंगवाई थी मैंने। सो उन्होंने मेरे को बताया कि पेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी होंगी, बहुत ज़्यादा पहले इम्पोर्ट करवाई होंगी, तो क्लाइमेट की वजह से ख़राब हो जाती है, बिकॉज वुड है, कार्बन है, तो वो ख़राब हो ही जाता है। तो और इसके ऊपर इम्पोर्ट डेट भी नहीं थी जहाँ से मैंने मंगवाई। तो गाइस, बस मेन रीज़न ये हुआ कि पेंसिल ख़राब हो चुकी है, बिकॉज बहुत पहले इम्पोर्ट करवाई होंगी और उनके पास पड़ी होंगी, बिकॉज मैंने कोई अमेजन से तो ली नहीं, जो इनके इम्पोर्टर्स हैं मैंने उनसे तो ली नहीं, मैंने किसी एक एमी वेबसाइट से ले ली थी, और मतलब उनके पास पुरानी पड़ी होंगी, उन्होंने मेरे पास भेज दी और मैंने यूज़ करी, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाया मैं। तो गाइस, बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी मटेरियल बाय करो, एवं कहीं से भी बाय मत करो, अमेजोन सबसे बेस्ट है, और अमेजोन पे आप चेक करो कि उसके इम्पोर्टर्स कौन है और मतलब रेटिंग कैसी मिल रखी है वहाँ पे। तो आप अच्छे जैन जहाँ पे थोड़ा बहुत, अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है ना, 50-100 रुपये एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, तो आप अच्छे इम्पोर्टर से ही लो, बिकॉज़ वो आपको अच्छे से पैकेजिंग करके देंगे, बिकॉज़ ये जो कार्बन पेंसिल्स है ना, इनको पैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। हम सोचते हैं ना कि मतलब डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं, अमेजोन महंगी दे रहा है, तो ऑब्वियसली गाइज मेरे को पता है ना, मैंने भेजी भी है काफ़ी लोगों को, कि मतलब जब पैक करके बिल्कुल सेफली भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और वुड वगैरह भी, तो वो टूटने का खतरा रहता है, तो उनको पैकेजिंग इस तरह से करनी पड़ती है कि बिल्कुल आप तक सेफ पहुँचे, इसलिए थोड़े डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। बट जो भी है गाइस, जहाँ से भी बाय करो जेन्युइन ही बाय करो, और इम्पोर्टर्स देखो। इसके इम्पोर्टर्स तो वैसे कॉन्टे पेरिस के हकीमी स्टेशनरीज हैं, उन्होंने मेरे पास भेजी थी, मेरे पास फ्रेश पीस भी पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास फ्रेश पीस भी पड़ा है ये, इसके अंदर कॉन्टे पेरिस के सारे ग्रेड्स के हैं। और फिर मैंने इसमें से यूज़ किया, जो मैंने अभी जोकर वाली ड्राइंग बनाई ना, उसमें मैंने जो डार्क एरियाज़ के लिए, जो हेयर के लिए यूज़ किया ना, मैंने 3B ही यूज़ किया है। पहले तो मैंने ये 5 की 5 शार्प की, नहीं हो पाई, फिर मैंने इसके अंदर से 3B निकाली और बिल्कुल अच्छे शार्प हो गई, बिकॉज ये अभी अभी इम्पोर्ट करवाई उन्होंने और ये बिल्कुल फ्रेश है। तो जो भी आप चीज़ बाय करो बिल्कुल फ्रेश करो, और देखो ये है 3B, बिल्कुल अच्छे से शार्प हो रखी है।
और इसके अंदर और भी ग्रेड्स हैं जो कि मैं कम ही यूज़ करता हूँ, 3 भी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ डार्क एरियाज़ के लिए, तो इसलिए कोई इतनी सी हो गई है। बट उन पेंसिल्स का बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, 5 पेंसिल्स मेरी ख़राब हो गई। सो गाइस बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कुछ भी आर्ट मटेरियल्स बाय करने से पहले, बिकॉज आप एक आर्टिस्ट हैं, मैं समझ सकता हूँ कितनी मुश्किल से अर्निंग करते हैं कमीशन से और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह से। बहुत मुश्किल से हम बनाते हैं और फिर अर्निंग करते हैं और फिर हम मटेरियल्स बाय करते हैं एक्सपेंसिव 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 एक्सपेंसिव। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, बट हम खुद अर्निंग करके बाय करते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ, मतलब 5 की 5 पेंसिल ख़राब, मतलब बहुत बुरा लगता है। और गाइस फेक मटेरियल से भी बच के रहो, बिकॉज फेक मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, माइक्रोन्स मिल जाएंगे फेक, बहुत ज़्यादा माइक्रोन्स, तो बहुत बिल्कुल डुप्लीकेट मिल जाएंगे कम प्राइस में। तो वहाँ पर देखो कब इम्पोर्ट करवाए हैं, कहाँ से इम्पोर्ट करवाए हैं। और इंडिया में तो उनके जो इम्पोर्टर्स हैं वो हॉबी क्राफ्ट हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्टेड बाय हॉबी क्राफ्ट। जहाँ जहाँ से भी आप बाय करो, चाहे आप किसी शॉप से बाय करो, चाहे आप अमेजोन से बाय करो, वहाँ पर लिखा जरूर होगा कि इम्पोर्ट कब करवाए हैं। और अगर आप अमेजोन से बाय कर रहे हो सकुरा टोम्बो मुंग्यो या फिर इस तरह के जो भी रॉयल टैलेंट्स हो गए, तो इस तरह के जो भी हॉबी क्राफ्ट के पास ब्रांड है, अमेजोन पे जब भी आप इन ब्रांड्स को बाय करोगे तो जैप क्रिएशंस आएगा, तो आप वहीं से बाय करो, बिल्कुल जेन्युइन है। बाकी स्टेडलर फैब्रिक कैस्टल और भी जो ब्रांड्स हैं उनका मुझे नहीं पता है, उनको आप सर्च करो गूगल पे, उनके इंपोर्टर्स कौन है, उनके मतलब सेलर कौन है बढ़िया बढ़िया, आप उन्हीं से बाय करो। थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा बट जो पैकेजिंग है और जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही मिलेगी आपको, आपकी पेंसिल टूटेगी नहीं, जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो वो बिल्कुल आपको सेफली मिलेंगे। बट अगर आप सस्ते के चक्कर में कहीं से भी इस तरह से बाय कर लोगे और बाद में खराबी होगी तो थोड़ा दिक्कत होती है। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ नहीं की, मैंने अब तो मैंने सितंबर में बाय की थी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं बोलूँगा उनको जिनसे मैंने ली। बट अगर आपको अब बाय करने हैं अब तो आपको हॉबी क्राफ्ट पे मिल जाएंगी, बाकी आप हकीम स्टेशनरी पे मिल जाएंगी या फिर लाजपत नगर में मिल जाएगी सीताराम स्टेशनरी पे। सो गाइस आपने बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेड डेट कब की है और ज़्यादा पुराना माल नहीं होना चाहिए, और सेलर कौन है अच्छे जेन्युइन सेलर से ही बाय करो, इम्पोर्टर्स देखो कौन है उनके और उस हिसाब से बाय करो। सो हाँ गाइस बस यही कुछ मुझे आपको इस वीडियो में बताना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ तो हो गया, बट जो भी है अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।